दोस्तों अभी मैं निकला हुआ हूँ उस जगह को ढूंढने के लिए जहां पे जिम कॉर्बेट ने मोहन मैनेटर को मारा था। मरचुला रोड पे आ चुका हूँ, चिमटा खाल ये जगह का नाम है, पर यहां से मुझे जाना है काठ की नाव की तरफ। यहां से 10 से 12 या 15 किलोमीटर दूर है, तीन अलग अलग किलोमीटर लोग बता रहे हैं। वहां पे एक मचान है और एक वो हट है जिसमें जिम कॉर्बेट रुके थे, वहां भी फॉरेस्ट का स्टाफ रहता है। बस वही मालूम चलेगा क्योंकि वो पत्थर ढूंढना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जंगल के अंदर जाके एक पानी का डिप्रेशन बता रहे हैं और उसके पास में पत्थर है, तो अंदर जंगल के अंदर जाके वो ढूंढ पाना तो आप समझ रहे हो कितना मुश्किल है, क्योंकि इलाका मेरे लिए अनजाना है और ऐसे बहुत सारे पत्थर होंगे और पानी के डिप्रेशन भी बहुत सारे होंगे। तो पता चला कि मैं आपको बोल दूं कि इस पत्थर में, क्योंकि वहां पे कोई मॉन्यूमेंट नहीं बना है, मैंने पता किया है बस पत्थर ही है, तो मैं आपको वो मचान दिखाऊंगा जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं जंगल जाऊं, वैसे तो मैं फॉरेस्ट वालों को भी ले लूं अगर उन्हें, हाँ अगर फॉरेस्ट वालों को मालूम हुआ कि वो पत्थर किधर है तो उनको ले जाके फिर मैं पत्थर तक भी जाऊंगा, कि ऐसे मैं किसी भी पत्थर को बता दूं तुक्के पे वो नहीं करूंगा। तो देखता हूं अगर वहां पे ऑन ड्यूटी स्टाफ है, उन्हें आइडिया है, या तो वो मुझे गाइड कर सके कि भाई इधर वाला पत्थर, ज्यादा दूर नहीं है वहां से, पत्थर जो मैंने मालूम किया है एक पानी का थोड़ा सा भराव होता है उसके पास में पत्थर है वो, तो देखते हैं। अभी का रास्ता इस तरीके का है, दोस्तों ये आ गया काठ की नाव, यहां से नजारा ऐसा है। अब यहां पे पता करना पड़ेगा कि वो मचान कहाँ है, फॉरेस्ट की चौकी कहाँ है, और यहीं पे एक कमरा भी बना हुआ है। यहां से रास्ता कटता है एक्चुअली, यहीं पे नहीं, वो रास्ता पता करना पड़ेगा उतर के। दोस्तों यहां गाड़ी खड़ी कर दी है पीछे, ऊपर जाना पहाड़ के ऊपर, वो चौकी है जहां जिम कॉर्बेट रुके थे और एक मचान भी था, लेकिन लोग बता रहे हैं कि मचान टूट गया है, तो उसके आगे चट्टान का रास्ता तो बता रहे हैं कि रास्ता ही नहीं, अब खत्म हो गया है। और वैसे भी चट्टान में ढूंढता कैसे, अगर फॉरेस्ट वाले बताएंगे तो ठीक है। ये लट मैं लेके आ गया था जंगली रिजॉर्ट से, मैंने जो वहाँ बनवाए थे 8 लट, तो अभी निकाल लिया है क्योंकि अकेले जा रहा हूँ, जंगल का रास्ता है, तो चलिए अकेले कहाँ जा रहा हूँ, आप लोग भी तो साथ हो। तो ये रोड जा रही है और मुझे जाना है इस कच्ची रोड पे जो ऊपर चढ़ रही है, सामने का टोटल ये 360 डिग्री व्यू देखिए, ये नीचे गहरी खाई है जिसको कि खाल बोलते हैं। इस तरह का रास्ता है, इसमें तो खैर गाड़ी जा सकती है, लेकिन लोग बता रहे थे गाड़ी नहीं जाएगी, इसका मतलब ऊपर कुछ होगा जहाँ नहीं जाएगी। देखो YouTube के लिए क्या क्या करना पड़ता है, अकेले ऋषिकेश, पहले दिल्ली से अकेले जंगली रिजॉर्ट, वो तो अकेला जाता ही हूँ, वहाँ से अकेले रुद्रप्रयाग, आपको वो जगह दिखाई जहाँ पे मैं नीटर ऑफ रुद्रप्रयाग को मारा था जिम कॉर्बेट ने, वहाँ से गैरसैंण अकेले लखपत सिंह रावत जी का इंटरव्यू लिया, वहां से कॉर्बेट, अब वहां से काठ की नाव, अब यहां से पैदल जा रहा हूं आपको वो जगह दिखाने जहां जिम कॉर्बेट ने मारा था मोहन मैनेटर। वो एक मचान दिख रहा है वैसे, मतलब जिम कॉर्बेट का नहीं, वैसे ही मचान, और कुछ पीले पीले से मकान दिख रहे हैं, शायद वो है चौकी जहां मुझे जाना है। ये नीचे कोई बंद पड़ा सा रिजॉर्ट है, कभी किसी ने बनाया होगा, अब खंडहर पड़ा हुआ है। यहाँ भी लगता है कोई रिजॉर्ट बना रहा था, उसी के लिए रास्ता बना है। यहाँ तक तो गाड़ी आ रही, वही मैं सोच रहा था कि लोग बोल रहे थे गाड़ी नहीं जाएगी, यहाँ तक तो गाड़ी आ सकती थी, लेकिन इसके बाद नहीं जाएगी, इसके बाद पगडंडी ट्रेल वाला रास्ता है। तो ये देखिए पुश्ते बने हुए बहुत सारे, यहाँ भी लगता है कोई रिजॉर्ट बना रहा था, कोई डिस्प्यूट है, क्योंकि काफ़ी साल से काई लगी है, बंद पड़ा हुआ है,
और ये नीचे तो अलग प्रॉपर्टी लग रही है जो बंद पड़ी हुई है। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम है रमेश खैरिया। रमेश खैरिया? खैरिया। ये आपका घर है पीछे? हाँ जी। तो क्या करते हो आप, खेती बाड़ी क्या करते हो? खेती बाड़ी मैं तो एक लोहारगिरी का काम करता लोहार हूँ। का, लोहे का सामान बनाते हो। हाँ। खेती बाड़ी क्यों नहीं करते? खेती बाड़ी यहाँ जानवर आ जाते हैं ना, कौन कौन से? जैसे ये जड़ाव भी आता है हाँ और हिरन है छोटे छोटे हाँ और सुअर है वह, सभी जानवर आ जाते हैं। अब बघेरा आता है? वगैरह भी आता है। हाँ वो गांव है ना जो, हाँ वहाँ 3 गाय मार दी अच्छा, परसों। किसने मारी? अच्छा अरे वगैरह ने। धब्बे वाले ने? अच्छा हाँ वो गांव है ना वो जो दिख उधर। रहा है दूर। हाँ 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 तो परसों वहाँ क्या था, वो बारात थी कोई, हाँ मैं भी गया था, हाँ तो उनने वो दिन के 4 बजे मारी है वो अच्छा, सबके सामने की साइड में? हाँ साइड में, मतलब वो ये नदी किनारे है ना, तो हाँ उसके आसपास वो खोल रखी होगी गाय। हाँ हाँ तो और एक गाय यहाँ मारी कुछ दिन पहले, अच्छा यहाँ नीचे दुकान है ना उसके हाँ नीचे। मुआवजा मिल जाता है? मुआवजा कभी कभार जब किसी ने फोटो वोटो ले ली तो तब मिलता है। कितना मिलता है? अब ये तो पता नहीं गाय वालों को होगा, अच्छा हमारी गाय नहीं है, हम चलेंगे। भैंस अच्छा पालते हैं। भैंस। दूध भैंस दूध कहाँ बेचते हो? दूध बेचते नहीं है आजकल, वो भैंस वो हो गए कम अच्छा दूध देने वाली। अच्छा अच्छा ये केले वगैरह सब आपके ही हैं? ठीक हाँ हमारे ही है। है। आप आ जाओ इधर, मकान देख लो। तो ये मिर्च की पौध है, इसको आप खेत में लगाओगे? ये फिर लगाएंगे ना उखाड़ के। ये पूरा परिवार है, संयुक्त हाँ परिवार है पूरा क्या? परिवार है। अच्छा मतलब पुश्तैनी घर है आपका? हाँ ये पुराने जमाने के हैं हाँ। ये तो कौन कौन आपके भाई बंधु सब रहते हैं? भाई बंद रहते हैं। ये किसके भाई के बच्चे हैं? ये हमारा एक भाई रामनगर में है, उनका हाँ मकान, हाँ ये ग्राम प्रधान है अभी उनका लड़का। अच्छा। तो नीचे वाले कमरों में आप अपने पशु का चारा और अनाज हाँ रखते ये हो, इनमें। हाँ ऊपर आप लोग रहते हो? ऊपर हम लोग। हाँ ठीक है। सर दोस्तों ये महेश चंद्र जी मिले हैं, बड़े हेल्पिंग नेचर के हैं, इनकी यहाँ ड्यूटी है। और ये जो कमरा है, मैं यहाँ 2 लकड़ी कमरे बने हैं, तो वही मैं इनसे पूछ रहा था महेश जी से कि जिम कॉर्बेट किस में रुके थे, तो बता रहे इसमें रुके थे, है ना? तो जिम कॉर्बेट जी जब मोहन मैनीटर को मारने आए थे तो इस लकड़ी के कमरे में रुके थे, क्योंकि एक लकड़ी का कमरा वहां पे भी है वो जहाँ। हाँ वो है, अच्छा वो स्टोर है, स्टोर स्टोर है, यही है। यही है ना? हाँ तो इसमें जिम कॉर्बेट जी रहे थे जब वो मोहन मैनीटर को मारने आए थे, लकड़ी उसी टाइम की है और अब तो टूट गया है। यहाँ से देखिए व्यू, देखिए वो, ये रामगंगा नदी है कि कोसी है? ना ना ये बोल कुशी। कोसी है। हाँ सर ये कोसी नदी का नजारा आ रहा है सामने दूर दूर तक। और ये इतना बड़ा कमरा था ये इसमें। स्टोर था हाँ उसमें। हाँ ये स्टोर रहा करो। अच्छा ये स्टोर था और इसमें जिम कॉर्बेट के आदमी भी रहते थे इसी हाँ में, हाँ है सर ना? दो कमरे थे इसमें अच्छा 2 कमरे और थे। घोड़े भी रहते थे। अच्छा घोड़े भी। तो देखिए दोस्तों यहाँ 2 कमरे थे, घोड़े भी रहते थे, जिम कॉर्बेट के आदमी भी इसी में थे। जो मोहन मैनीटर के टाइम पे जिक्र आता है जिस कमरे का, वो कमरा ये है। आसपास का 360 डिग्री व्यू देखो आप, ये है। किचन भी लग गया इसमें सर। किचन भी था इसमें? हाँ अच्छा इधर की बाहर? अच्छा ये है यहाँ इधर। तो महेश जी बता रहे हैं किचन भी है इसमें, तो उनके आदमी जो खाना बनाते थे। ये अच्छा किचन था उसमें अंदर। ये चिमनी ले लें आप, चिमनी ले हाँ लें। हाँ हाँ ये देखिए चूल्हा चिमनी, इसमें उनके आदमी खाना बनाते थे और जिम कॉर्बेट के लिए खाना बनता था। आप कल्पना कर लीजिए, आपको जिम कॉर्बेट फील हो जाएंगे यहाँ पे। और वो जो पत्थर है, अभी हम जा रहे हैं उस पत्थर पे जहाँ मोहन का मैन ईटर जिम कॉर्बेट ने मारा था। ये महेश जी ने बढ़िया दाल चावल बना के दिया है खाने के लिए। और ये है स्रोत का पानी, मिनरल वाटर, जो झरने का पानी होता है। तो बस दाल चावल खाते हैं फिर चलते हैं। सर छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। अरे मेरी बात मानो, चलो ये पानी बैस डाल दो, छोड़ दीजिए आप बैस कर लो बस। अरे आप मुझे गिलास दो। हो तो गया सर, अरे नहीं सर हो गया, मैं छोड़ छोड़ दीजिए मैं कर लूंगा सर। कोई नहीं,
दोस्तों मैं और महेश जी हम दोनों जा रहे हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे वो पत्थर है जहाँ जिम कॉर्बेट ने टाइगर मारा था। ये पीछे आपने कमरा तो देख ही लिया जहाँ जिम कॉर्बेट रहे थे उस मैन ईटर को मारने के दौरान। दोस्तों ये महेश जी साथ में चल रहे हैं। तो जहाँ ये गांव है मैंने आपको बोर्ड दिखाया था काठ की नाव, तो इन्होंने बताया कि काठ की नाव कैसे नाम पड़ा कि एक झरना है जिसका पानी अभी इन्होंने मुझे पिलाया, आपको भी दिखाया मैंने वीडियो में स्रोत का पानी मिनरल वाटर, तो वो जो झरना था वहाँ पे गांव वालों ने लकड़ी का एक पेड़ काट के ऐसा रख दिया कि उसमें पानी जाए और जानवर एक साथ पानी पी ले। आपने भी कभी गांव देखे होंगे तो ऐसा आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो मेरे पे एक वीडियो में जाइएगा, भालू का जो हमला किया था मेरे रिजॉर्ट के पास में उस घर में वो था, मैंने दिखाया था एक जानवरों के पानी पीने के लिए लकड़ी से बना देते हैं। तो एक अंग्रेज साहब आए बोले दिस इज काठ की नाव, तो उससे यहाँ उन्होंने देखी तो इस जगह का नाम उर्फ में पड़ गया काठ की नाव, गांव का नाम कुछ और था। ऐसे ही ये रहने वाले हैं महेश जी हल्द्वानी के, ये बोल रहे हैं हल्द्वानी में हल्दू के पेड़ बहुत सारे होते थे तो हल्दू के पेड़ की वजह से हल्द्वानी नाम पड़ गया। तो ये हम लोग बातें करते जा रहे हैं अभी इस रास्ते पे, और ये नज़ारा दिख रहा है साइड में, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए मुझे फ़ोन को पॉकेट में रखना पड़ रहा है। अगर मैं ओपन लेके चल रहा हूँ तो इतना इसका प्रोसेसर हीट कर जा रहा है कि जब मैं कैमरा ऑन करता हूँ तो बोलता है कि आपकी डिवाइस को पहले ठंडा करिए। अभी खुद अपने सिर की डिवाइस को कैसे ठंडा करें, तो चलो मैं पॉकेट में रख लेता हूँ। ये दोस्तों ये वाला रास्ता जिससे हम आ रहे थे ये छोड़ दिया और ये घने जंगल में हम घुस रहे हैं, ये देखिए, और इसमें टाइगर बहुत ज़्यादा हैं ऐसा महेश जी बता रहे हैं। तो अब हम टाइगर टेरिटरी में पैदल चल रहे हैं, केवल दो लोग हैं मैं और महेश जी, एक लठ है हमारे पास। दोस्तों ये जो बांस के झुरमुट हैं इसके नीचे है वो पत्थर जहाँ टाइगर मारा जिम कॉर्बेट ने। थोड़ी खड़ी उतराई है, सोच रहा हूँ उतरूँ कि ना उतरूँ, स्लिप करने का डर है। और यहाँ 360 डिग्री का व्यू देखिए आप, ये टाइगर हमें कहीं ना कहीं से देख रहा होगा क्योंकि ये मोहान इलाका है। आज भी यहाँ पे 6 टाइगर हैं, 8 थे 2 पकड़ लिए गए, और जिस टाइगर के निशान ढूंढने हम आए हैं मोहान मैन ईटर जो जिम कॉर्बेट ने मारा था, टाइगरस थी, सदियों से ये इलाका टाइगर का इलाका रहा है, आज भी है। आज भी जिम कॉर्बेट में सबसे ज़्यादा जो इलाका टाइगर प्रभावित क्षेत्र माना जाता है वो यही है मोहान। वो आगे से महेश जी को रास्ता दिख गया है कि वहाँ से आसानी से जा सकते हैं। यहाँ आग लगी थी दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ना ये जंगल जला हुआ है, ये काली काली लकड़ियाँ आपको दिख जाएंगी, तो मैं ये सब जली हुई लंटाना है, लेकिन कहते हैं ना रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, तो लंटाना जल गई कांटे नहीं गए। बड़ा ही खतरनाक रास्ता है, कोई नहीं। अच्छा मेरी गाड़ी में ट्रैकिंग वाले जूते पड़े हैं दोस्तों, लेकिन जब मैं आया था तो मेरा प्लान था कि मैं
फिर वो कमरा दिखा दूंगा आपको, क्योंकि मुझे अकेले तो पत्थर मिलने वाला था ही नहीं, तो महेश जी मिल गए इसलिए। यहाँ से मोर्चा बनाया, हाँ। इन मोर्चा बनाया यहाँ से, अच्छा वहाँ मारा, वो जो बांस का पेड़ है वहाँ मारा, हाँ हाँ। अच्छा जो वो जो घास उठ रही थी बार बार, हाँ, यहीं पे थी, है ना। दोस्तों जो मोहन मैनिटर की स्टोरी आपने सुनी होगी, घास लगी थी तो जब टाइगरस आगे आगे बढ़ के जा रही थी तो जहाँ टाइगरस उठ के चली जाती थी वो घास उनको उठती हुई नजर आती थी। तो जो पत्थरों के पीछे, इन पत्थरों के पीछे से उन्होंने निशाना लिया और टाइगरस वहाँ बैठी थी। इस दौरान उनको खांसी भी आई और जब खांसी आ रही थी तो बंदर के बोलने के अंदाज में उन्होंने खांसा, क्योंकि अगर वो खांसते तो टाइगर से मालूम चल जाता। तो उन्होंने खाक ऐसी आवाज निकाली जो कि बंदर अलार्म कॉल में निकालता है, और उसके बाद वो जो बांस के झुरमुटे वहां पर गोली मारी और ये जो पत्थर दिख रहे हैं इनके पीछे छिपे हुए थे और लेट के निशाना लिया था उन्होंने, मुर्चा लिया। दोस्तों जिम कॉर्बेट के दो मैन ईटर मारने की जगह मैंने आपको दिखा दी। कल आपको दिखाया था रुद्रप्रयाग मैन ईटर वाली जगह, आज आपको दिखा दी मोहन मैन ईटर। बड़ी जल्दी बाकी जगह भी आपको दिखाऊंगा, तो चलिए आप चलते हैं वापस। दोस्तों पानी का एक पॉइंट बताया गया था ना, वो ये है जहाँ ये लेंटान लगी है। यहाँ पानी का भरान होता था, इसको सुअर खाल बोलते थे क्योंकि सुअर इसमें आराम करते थे। और इसके नीचे ही वहाँ बांस के झुरमुट हैं जहाँ पर टाइगर इसको मारा था। तो ये लैंडमार्क भी, और महेश जी बता रहे कई लोग आ चुके हैं बुक से, उन्होंने मिलान भी किया है। ये दोस्तों ये है वो पानी का पॉइंट सुअर खाल, जिसमें बारिश में आज भी पानी भरता है। और इसके पीछे ही वो जगह है जहाँ पर टाइगर उन्होंने मारा था। अब हम जा रहे हैं वापस। दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, जितनी इस साल गर्मी नहीं पड़ी ना वो समझ लो सारी आज ही पड़ रही है। कैब लगाई हुई है लेकिन बहुत तेज़ गर्मी लगी है। अभी पानी पिया, जुकाम हो गया। तो दोस्तों बहुत थक गया, बहुत ज़्यादा गर्मी आज। आप गाड़ी में अभी 38 डिग्री दिखा रहा है, इसका मतलब बाहर 40 या 42 के आसपास होगा। अभी तो एसी भी कूल नहीं कर रहा है, विंडो खोली थी लेकिन चलो काम हो गया। मैं जब आया था मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उस जगह तक पहुंच पाऊंगा, और लोकेशन भी मैच कर ली थी। एक होम स्टे वाले मिल गए थे सुनंदो जी, तो उनके पास लोकेशन भी थी। तो जो रॉक महेश जी ने हमें दिखाई वही रॉक थी जहां से उन्होंने निशाना लगाया था, मोर्चा संभाला था, और बांस के झुरमुट के वहां पे जब टाइगरस मरी थी। तो सोचा नहीं था कि अकेले जाके कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मुझे वो जगह मिलेगी या लोगों को मालूम होगा। लेकिन चलो अंसारी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, मेरे जो दोस्त हैं अंसारी जी, उन्होंने बताया था कि वहां वहां से है, और वहां पे जो जिनकी पोस्टिंग थी महेश जी की उनको आइडिया था, क्योंकि उनके पास एक दो लोग आ चुके थे जो कि बुक लेके आए थे, उन्होंने पूरा लोकेशन निकाली हुई थी। तो चलिए वापस चलता हूँ शाहबिला। अब दाल चावल तो यार खा लिया था, अब सोऊंगा, बहुत थक गया हूँ। दोस्तों ये रोड आ गई, यहाँ से मोहन 9 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़ी सुंदर सड़क है, और बस इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ट्रैफिक बड़ा तेज आता है। जैसे ये गाड़ी आ रही, आज तो डिहाइड्रेशन हो गया था, पानी था लेकिन मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा थी, और इस सीजन में इतनी गर्मी पहली बार ही लगी है। ऐसे में चढ़ाई चढ़ना बड़ा ही खतरनाक था। आज दोस्तों गर्मी का ये आलम था कि जब मैं फ़ोन निकाल रहा था ना रिकॉर्डिंग के लिए, फ़ोन हीट कर जा रहा था और कैमरा बंद हो जा रहा था कि डिवाइस का टेम्परेचर बहुत हाई है। फिर मुझे फ़ोन को पॉकेट में रखना पड़ता था, कार्गो पैंट की जो साइड पॉकेट होती है उसमें जब रहता था ठंडा रहता था। फिर जब मुझे शूटिंग करनी होती थी तो मैं इसको निकाल के शूटिंग करता था, फिर वापस पॉकेट, मतलब हाथ में इसमें ट्राईपॉड में लेके चलना मुश्किल था, इतनी गर्मी थी। अब गाड़ी का एसी वैसी चला है, बिल्कुल चेहरे पे मार रखा है, अब जाके जान में जा रही है। तो चलिए दोस्तों फिर पहुंचते हैं शाहबिला, और रात को एक नाइट ड्राइव का वीडियो बनाऊंगा कल सुबह अपने जंगली रिसॉर्ट।
तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल, वैसे अब आपको चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बनता है कि आप कर दो। देखो कितनी मेहनत कर रहा हूँ, अकेले जा के वीडियो बना रहा हूँ। पूरा ट्रिप तो मैं अकेले करता हूँ, सोलो ड्राइविंग मुझे पसंद है, लेकिन पहाड़ पे अकेले जाना, उस चौकी को ढूंढना, वो तो चलो वो महेश जी मिल गए तो फिर वो पत्थर मिल गया, जिम कॉर्बेट जिस कमरे में रुके थे वहां तक तो मैं अकेला ही गया था। इतना करने में चैनल सब्सक्राइब करना बनता है, और अगर कर रखा है दोबारा मत दबा देना, पता अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।